जिले में कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के लिए 26 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जबकि 4 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब तक जो मरीज संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई है और ऐसे लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। तो वही ब्लैक फंगस को लेकर पीबीएम हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परविंदर सिरोही से खास बातचीत की बीकानेर से न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में। हमारे साथ हैं इस वक्त परविंदर सिरोही, जो कि बीकानेर पीबीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं। बीकानेर में भी कोहराम मचता जा रहा है ब्लैक फंगस का, अब क्या स्थिति है जानना चाहेंगे। अभी जो है हमारे पास 23 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम नोटिफाई कर चुके हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक और एमआरआई में कंफर्म हो चुके हैं कि इनके काला फंगस, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस है फंगस, वो इनके कंफर्म हो चुकी है। तो 23 पेशेंट हमारे पास कंफर्म पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 3 पेशेंट आज और हमारे पास भर्ती हुए हैं जिनके कि सस्पेक्टेड है, संदिग्ध हैं, जिनमें काला फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा आज एक डेथ और हुई है, तो टोटल अभी तक मिला के 4 व्यक्तियों की काला फंगस से भर्ती हो चुकी है हमारे अस्पताल में। अभी टोटल पेशेंट कितने हैं भर्ती? अभी टोटल 26 पेशेंट भर्ती है हमारे पास। तो ये इनके अगर हम माने तो किन लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर पर अगर हम बात करें कोरोना के बाद में लोगों को ज्यादा होने की संभावना रहती है, क्या है ये बताएं। शुरू में जब केसेज आना शुरू हुए थे तो वो लोग ज्यादा आ रहे थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव था, जिनमें डायबिटीज थी, शुगर अनकंट्रोल थी और लंबे टाइम अस्पताल में भर्ती रहे, इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे थे। तो हमारा यही विचार था कि जो पेशेंट्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए और जिनमें लंबे टाइम स्टेरॉइड्स दिया गया, शुगर कंट्रोल नहीं हो पाई, इस कारण इनमें ये जो है अवसरवादी संक्रमण है काला फंगस का, जो इस तरह का संक्रमण हो गया है। लेकिन अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी पॉजिटिव आए हैं जिनमें कि कोरोना नहीं हुआ था या जिनमें डायबिटीज नहीं थी, उनके भी ये काला फंगस देखने में आया है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई और कारण भी है जो ये संक्रमण पैदा कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होके निकल गए हैं, शायद उनमें सिम्टम नहीं आए होंगे, कोरोना हुआ होगा इसलिए पता नहीं है, पता नहीं चला कोरोना का और उन लोगों में ये संक्रमण हुआ है। मेन जो कारण इसमें है वो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना ही है। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये जो फंगस है इसके स्पोर्ट्स होते हैं छोटे छोटे जिससे ये फैलता है, और वो जो स्पोर्ट्स हैं वो मेनली मिट्टी में, गोबर में और इस तरह से धूल मिट्टी में रहते हैं। तो वो किसी भी तरह से अगर अपने शरीर में चले जाए अंदर तो वो संक्रमण पैदा कर सकते हैं। मेनली जो वो है सांस के थ्रू अगर जाते हैं तो हमारे साइनसेस में और लंग्स में करते हैं, और अगर किसी जख्म के थ्रू चले जाएं तो स्किन का काला फंगस कर सकते हैं, और अगर खून में चले जाएं तो हमारे लंग्स में भी ये काला फंगस की बीमारी कर सकते हैं। इसमें जो मेन जो बचाव के तरीके हैं वो जैसे कोरोना में अपन बताते हैं वही तरीके हैं। आपको अपना बचाव रखना है, साफ सफाई रखनी है, मास्क लगा के रखना है, और जो एक और जो चीज़ सामने आ रही है कि कई बार लंबे टाइम एक ही मास्क लगाए रखने से उसमें भी फफूंदी का जमाव हो जाता है, उससे भी इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का खतरा बताया जा रहा है। तो जो मास्क है वो एक दिन से ज़्यादा ना लगाएं, उसको गीला नहीं रखें, उसको सुखा लें, और अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखें। हैंड हाइजीन जो सबसे जरूरी चीज़ है, अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम हाथ कहीं इधर किसी संक्रमित जगह पर लगा के उसको अपने नाक पे या मुंह पे लगा लेते हैं जिससे कि संक्रमण फैलता है। हैंड हाइजीन, मास्क और डिस्टेंस आप ध्यान रखें। सिर्फ कोरोना के बाद ही ब्लैक फंगस नहीं हो सकता, आपका जो मास्क है उस मास्क को भी रोजाना चेंज करें, गीला ना पहने, इन सब के चलते ब्लैक फंगस भी हो सकता है। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।